नहीं राजीव, तुम बहुत झूठ बोलते हो। पूरा एक महीना हो गया है इस बात को, लेकिन अब तक कोई चेंज नहीं आया है, ना हमारे रिलेशनशिप में ना तुम्हारे बर्ताव में। आई जस्ट कांट टेक इट एनीमोर राजीव, इट्स एनफ। रिलैक्स रूना, तुम जानती हो मैं और मेरी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी माय फुट राजीव। पता नहीं मैं क्यों हर बात तुम्हारी मान लेती हूँ, बात बात पे इनसिक्योर फील करने लगती हूँ। आई कैन यू टेल मी व्हाई? दैट्स बिकॉज़ यू लव मी सो मच, और मैं भी तुम्हें इतना चाहता हूँ बेहद। जस्ट स्टॉप दैट राजीव, इतना नकली लगता है ना ये सब तुम्हारे मुंह से। राजीव अब मैं थक चुकी हूँ, प्लीज तुम कोई फैसला जल्दी करो, या मैं या नीना। रूना तुम जानती हो ये काम इतना आसान नहीं है, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें राजीव? तुम्हें अभी कोई फैसला करना होगा, प्लीज। फैसला यार, तुम फैसलों के बारे में ही क्यों सोचती हो? तो क्यों ना सोचूं राजीव, एक सिर्फ मैं ही हूँ जो इतना सब टॉलरेट कर रही है, कोई और होती तो अब तक पागल हो चुकी होती। आई नो इट स्वीटहार्ट, मुझे एहसास है। अच्छा प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दो। एक काम करते हैं, आज शाम को तुम्हारे घर पे मिलते हैं। ओके ओके बाय बाय। मुझे लगता है दीदी तुम एक दलदल में धंसती जा रही हो, और अगर अभी नहीं संभली तो शायद बहुत देर हो जाएगी। ये आदमी तुम दोनों की जिंदगियों से खेल रहा है दीदी। गॉड, वो नीना के साथ क्या कर रहा है इसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। मैं क्या करूं नूपुर, क्या करूं मैं? अब मेरे बस में नहीं है कुछ। अब मुझे अपने से ज्यादा रोहन की फिक्र है, उसके फ्यूचर की टेंशन है मुझे। दीदी मुझे नहीं लगता राजीव कभी तुम्हें अपनाएगा, तो वो तुम्हें छोड़ भी सकता है, और नीना तो उसकी बीवी है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। Come on, नूपुर, अगर नीना उसकी बीवी है तो रोहन भी उसी का बेटा है। रोहन को सोसाइटी वाले क्या कहेंगे तुम जानती हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। सोचो दीदी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। Congrats. It's all positive. Really, doctor? Oh my God. I can't tell you. मैं कितनी खुश हूँ. Thank you so much. अरे मुझे क्यों thank you कह रही हो? घर जाकर गौतम को thanks करना. Doctor, ये बात अगर गौतम को आप बता देंगे तो मामला इतना बिगड़ेगा नहीं। देखो आरती, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये तुम दोनों का पर्सनल मामला है, ये बात सिर्फ तुम ही गौतम को बताओगी, और इस बात का ख्याल रखना गौतम इज नॉट गोइंग टू टेक इट इजीली। ओके? ये बच्चा मुझे हर हाल में चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, इस बात का ध्यान रहे कि कहीं गौतम की जिद तुम्हारी खुशियों पर पानी ना फेर दे। इस बात को टालना नहीं, आज ही जाकर गौतम को बता देना, समझी? क्या गजाला, इतनी देर लगा दी तुमने। क्या हुआ सर, इतनी क्या अर्जेंसी आ गई? मुझे थोड़ा सा काम था। काम? तुम्हें अपनी काम की पड़ी है? यहाँ मेरी जिंदगी और भी ज्यादा उलझती जा रही है और तुम्हें अपनी काम की पड़ी है। बजाला, योर प्लान इज एब्सोल्युटली यूजलेस। तुम्हारा प्लान किसी भी काम का नहीं है। क्या हुआ सर? रूना मुझसे अपसेट हो गई, शी इज गिवन मी एन अल्टीमेटम, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगी। सर, मेरी और आपकी डील है, और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रही हूँ। ये प्लान के मुताबिक तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। वो कैसे? सर,
रोना आपसे अपसेट है क्योंकि आपने जो उससे वादा किया था वो आपने निभाया नहीं, है ना? हेलो, गजाला कहाँ है? नहीं, अपनी कैबिन में नहीं है सर। रूना का अपसेट होना लाजमी है, उसका काम है रूठना और आपका है मनाना, क्योंकि आपने जो उससे वादा किया था वो आपने निभाया नहीं, है ना? नीना को आप छोड़ नहीं सकते तो रूना को आपको फिर से ख्वाब दिखाने होंगे सर। वही तो मैं करता आ रहा हूँ इतने सालों से। देखो, ये दो नैया की जो सवारी है ना, एक दिन मुझे ले डूबेगी। सब कुछ इतना आसान नहीं है गजाला। I'm committed to Nina, but I love Runa. तो सर, आप दोनों नाव में सवारी करते रहिए, आपको डूबने से बचाना मेरा काम है। पर अभी मैं क्या करूं? तो सर, आप आज ही जाकर रूना से मिलिए, उसे यकीन दिलाइए कि वो आपके लिए सब कुछ है। आप उसके लिए और अपने लिए एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, बस थोड़े दिन की बात और है और वो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। फिर वही बात, कब तक मैं इस रट को दोहराता रहूंगा? और वो रूना भी इस जिद के पीछे पड़ी हुई है कि मुझे नीना को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे उसका बस चले तो आज ही मेरे घर को तबाह कर दे वो। सर सर सर, आपको यही तो उसे समझाना है, उसे यकीन दिलाना है कि बस थोड़े दिन की बात और है। ऐसा जताइए कि आप नीना को नहीं उसे ज्यादा टाइम और इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, आज शाम को जब आप रूना के साथ घर पे होंगे ना तो नीना आपको फोन करेगी। नीना? नीना। और जब वो फोन करेगी तो आप उसे कहिएगा, देखो मैं रूना के साथ हूँ, आई कांट गिव यू टाइम। तुम्हारा शायद दिमाग फिर गया है, और तुम नीना को अच्छी तरह जानती नहीं हो ना। यू आर रॉन्ग सर, मैं नीना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो वो फोन नीना नहीं, मैं करूंगी नीना बनकर। तुम? वाकई गजाला, यू आर अ वेरी श्रूड वुमन। थैंक यू सर। गजाला, तुम इसी वक्त आके मेरी कैबिन में मुझसे मिलो। मैं पूछ सकती हूँ राजीव की कैबिन में तुम क्या कर रही थी? वो मैम, सर को कुछ प्रोजेक्ट पे एडवाइस चाहिए थी इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। गजाला, मैं आज पैदा नहीं हुई हूँ, तुम राजीव को उसके प्रोजेक्ट के लिए एडवाइस दोगी? क्या राजीव के दिन अब ऐसे आ गए कि उसे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत पड़ी? मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझे सर ने बुलाया था। मिस गजाला अमीन, मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और अब तुम्हें भी। अपनी औकात से ऊपर उठने की कोशिश मत करना। राजीव की आंखों की चमक देख के मैं समझ जाती हूँ कि उसके दिल में क्या है। आज तक तुम्हारे लिए वो चमक मैंने नहीं देखी। मैं वो लेकिन लेकिन जिस दिन राजीव की आंखों में मैंने वो चमक देख ली, तुम सड़क पे आ जाओगी, समझे? अब तुम जा सकती हो। मिसेस नीना लुल्ला, तुम्हारी ये अकड़ अब कुछ दिनों की मेहमान है, शायद तुम्हारा डर सही है, राजीव की आंखों में वो चमक बहुत जल्दी आएगी। हेलो हेलो अंकल।
हेलो बेटे, ये बच्चे हैं कैसे? वो शर्मा जी उन्हें कार्टून नहीं देखने दे रहे थे अपने टीवी पर, तो हमारे यहाँ आ गए कार्टून। ये भी कोई बात हुई? मुझसे बच्चे संभले नहीं जाते तो पड़ोस के घर भेज दिए। बच्चों, बहुत रात हो चुकी है, घर जाओ। रात को घर के बाहर रहना नहीं चाहिए। अंकल, लेकिन आप अपने मम्मी को पूछ कर आए। गलत बात, एक दिन कार्टून नहीं देखोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। चलो जाओ। रहने तो ना गौतम, चले जाएंगे थोड़ी देर में। चलो जाओ बेटे, पढ़ाई करो। कमॉन कमॉन। गौतम, क्या कर रहे थे बेचारे? कार्टून ही देख रहे थे ना चुपचाप। तुम्हें बच्चों से इतनी चिढ़ क्यों है? मुझे बच्चों से चिढ़ नहीं है, उस जिंदगी से चिढ़ है जो बच्चों के नाम अर्पण की जाती है। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसकी देखभाल शुरू। उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसके कपड़े, सब कुछ। खुद की जैसे कोई जिंदगी ही नहीं होती। तो क्या कहना चाह रहे हो, हमारे कभी बच्चे ही नहीं होंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा आरती। देखो आरती, अभी अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है, लेट्स एंजॉय लाइफ। पहले सेटल तो हो जाए। नहीं गौतम, मुझे कम से कम अभी एक बच्चा तो चाहिए। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। गौतम, मैं बोर हो जाती हूँ घर पर बैठे बैठे। एक बच्चा आ जाएगा तो मेरा दिल तो लग जाएगा। आरती, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है टाइम पास के लिए? हाँ, तुम कोई कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, या फिर कोई हॉबी क्लास? इनफैक्ट एक जॉब कर लो, घर की आमदनी बढ़ जाएगी और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी। होगा ये कि थके हारे दोनों घर आएंगे और खाना खाकर सो जाएंगे, कोई लाइफ ही नहीं बचेगी हमारी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतनी जल्दी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आप गौतम, मान लो मैं अभी प्रेग्नेंट हो गई तो? ये नहीं हो सकता है, तुम गोलियां खा रही हो ना? हाँ, पर उसके बावजूद भी अगर? इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा हुआ तो हम अबॉर्शन करवा लेंगे, समझी? सजावट कर रखी है, कोई आ रहा है क्या? राजी नहीं, मतलब मेरी एब्सेंस में कोई और भी तो आ सकता है घर संभालने। ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? देख लो कैसी हो तुम्हारे एब्सेंस में। अच्छी खासी मोटी तो लग रही हो, क्या प्रॉब्लम है? राजी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वाकई तुम्हारे बगैर बहुत बेचैन हो जाती हूँ। खैर, तुम्हें क्या पता, इसलिए तो यू टेक मी फॉर ग्रांटेड। अब डोंट वरी, रिलैक्स, आई एम हियर। ठीक है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे पास ही रहूंगा। रोहन किधर है? नूपुर के पास, क्या आ जाएगा एक आध दिन में। तुम जानती हो मुझे पसंद नहीं है। ओके ओके, उसे अभी बुलवाओ। बुलवा लूंगी, बैठो, डोंट लूज योर कूल। अच्छा, तुम चेंज करोगे या? नहीं नहीं, कपड़े वपड़े तो बाद में चेंज कर लेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हाथ तो धो लो पहले। लवली, मजा आ गया। थैंक यू। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम खाओगी? नहीं खा लूंगी। अह
हेलो हाँ नहीं मैं ऑफिस में नहीं हूँ नहीं कैबिन में नहीं लॉबी में हूँ अगर तुम जानती हो तो पूछ क्यों नहीं हो स्टॉप इट नीना यू कांट ऑलवेज कीप डिक्लेयरिंग टर्म्स टू मी नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं रूना से प्यार करता हूँ हाँ नहीं नीना नहीं रूना के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारियां हैं हाँ आई कैन नॉट डू दैट आज रात को मैं नहीं आ सकता नहीं मैं यहीं रह रहा हूँ तुम खाना वाना खा लो और सो जाओ बस गुड नाइट थैंक्स राजीव वो बिना बस बिल्कुल ही बेचारे हर तरफ से दुखी दुख मिलता है उसे बहुत तंग करते हो तुम उसे नहीं तो क्या तुम्हें तंग करूं राजीव अगर मैं नीना की जगह होती ना तो कब का छोड़ चुकी होती तुम्हें नीना ऐसा नहीं कर सकती वो अगर मुझे छोड़ के चली जाती है तो उसके जीने की सारी राहें बंद हो जाएंगी शायद इसीलिए इतना सजाते हो उसे तुम अगर मैं उस पर ध्यान दूं तो तुम्हारा क्या होगा मैडम आई लव यू वेरी मच मी टू अच्छा एक मिनट मैं वाकई हाथ धो के आता हूँ थैंक यू जल्दी आना हेलो गजाला हाँ इट वर्क हाँ बिल्कुल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तो ये बता रहा था कि बात बन गई मान गए यहाँ तुमको भी रियली फैंटास्टिक हाँ वाकई नहीं नहीं बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा तुम मिलो तो सही क्या क्या मेरे घर हेलो नहीं तुम मेरे घर के सामने क्या कर रही हो नीना से गजाला तुम पागल हो गई हो क्या देखो तुम जो कुछ भी करना सोच समझ के करना ये आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है हाँ 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 मुझे याद है तुम्हारा कॉम्पनसेशन तुम मुझे ऑफिस में मिलो मैं बात करता हूँ हाँ आधे घंटे में ओके हाँ फ्रांसिस तुम फाइल निकालो मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ सॉरी स्वीटहार्ट मुझे ऑफिस बहुत जरूरी है आप खाना खा के जाओ पहले नहीं आके खा लूंगा प्लीज आई हैव टू गो वेरी अर्जेंटली जल्दी आना ओके सॉरी बेबी गजाला तुम इस वक्त यहां